एक के बाद एक ऐसा वाकया सामने आता है जिसके बाद ये सवाल उठता है कि नैब बुनियादी हुकूक, कानूनी तकाजों और जमहूरी इकदार का ख्याल नहीं करता। नैब को खुद एहतसाब की जरूरत है क्योंकि इससे पहले भी नैब के रवैये के हवाले से शिकायत सामने आई। अक्टूबर 2018 में पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर कामरान मुजाहिद और उनके साथ दीगर प्रोफेसर को नैब ने गिरफ्तार किया और उन्हें हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया। कैमरों के सामने असातिज़ा को इस तरह पेश करने पर नैब तनकीद की जद में आई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का नोटिस भी लिया, जिस पर डीजी नैब लाहौर से अदालत में पेश होकर माफ़ी मांगने की बात हुई और अदालत में पेश होकर माफ़ी भी मांगी। मगर बाद में जब हमने अपने प्रोग्राम में डीजी नैब से इस मामले पर बात की, हालांकि वो अदालत में माफ़ी मांग चुके थे, मगर उन्होंने कहा कि ये उनका बड़ापन था कि उन्होंने माफ़ी मांगी। हथकड़ी ना लगाते तो और क्या करते। आपने खुद ने मदद के साथ रो के माफी मांगी है एक वाइस चांसलर को हथकड़ियां लगाने पर सुप्रीम कोर्ट से, तो आप ना तो मैं वहां रोया था और ना ही मैंने, जिस तरह आप पोर्ट्रे कर रहे हैं ये आपकी ख्वाहिश ही होगी, मैंने किसी तरह की कोई नहीं मांगी। वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, मैंने उन्हें कहा था कि इसमें मेरा ना कसूर है ना मेरे इदारे का कसूर है, लेकिन मैं फिर भी ज़र्फ़ का मुजहरा करते हुए मैं आपको कहता हूँ सॉरी कि, और मुझे आप ये बताएं कि क्या कानून के मुताबिक किसी को हथकड़ी लगाना जुर्म है? नहीं तो फिर माफ़ी ना मांगते, कहते चीफ जस्टिस साहब से कौन से क्या है हमने। नहीं तो मैंने तो बड़ाई का, एक बड़ा आदमी, एक अल्लाह ने उनको इज्जत दी है, एक मुकाम दिया है, उन्होंने मुझे जब इस तरह कहा कि ये क्यों हुआ है तो मैंने आगे से मुनासिब ही नहीं समझा कि मैं आर्गुमेंट करूं। मैंने उनको सुप्रीम कोर्ट के और भी दूसरे आपको सरेंडर किया और मैंने कहा सर आई एम सॉरी, डीजी नैब ने माफी मांगी, फिर कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी नैब का दौरान हिरासत रवैया ठीक नहीं रहता। जमानत पर रिहा होने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मुजाहिद कामरान ने दावा किया था कि नैब के सेल में दिन का पता चलता है ना रात का, वहाँ कमरों और बाथरूम्स में कैमरे लगे हुए। नैब की कैद से जो भी रिहा होकर आया उसने नैब के रवैये की शिकायत ही की है। कोई कहता है कि गिरफ्तार कर लेते हैं उसके बाद तहकीक नहीं होती, इस हवाले से हमने आज नैब से मौक़िफ़ लिया तो नैब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नैब के जो जेल्स हैं उसमें बाथरूम्स में कैमरे नहीं लगे होते। नैब ने तरदीद की है।